नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माइल्स एक्सप्लोर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चार धाम में से एक धाम यमुनोत्री धाम की। दोस्तों, यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुन्द्र तल से 3,235 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। यह मंदिर देवी यमुना जी का मंदिर है। एक पौराणिक गाथा के अनुसार यह आश्रित मुनि का निवास था। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। दोस्तों, भूकंप से एक बार यह मंदिर विध्वंस हो चुका है, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, यमुनोत्री धाम ऋषिकेश से 251 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यमुनोत्री धाम पहुँचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप्तकुंड हैं। इनमें सबसे ज्यादा अधिक तप्तकुंड का नाम सूर्यकुंड है, जो कि मंदिर से केवल 20 फीट की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यमुनोत्री धाम अप्रैल से लेकर नवंबर तक खुलता है, या फिर आप यह कह सकते हैं अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली तक खुलता है। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग द्वारा देहरादून स्थित जोली ग्रैंड एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं, जिसकी कुल दूरी 200 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर बात करें रेल मार्ग की, तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून स्टेशन पर उतरकर टैक्सी या फिर बस द्वारा भी पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, यमुनोत्री धाम पर आपको बहुत सारे आवास मिल जाएंगे, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, जिसमें आप GMVN यात्री विश्राम गृह में भी रुक सकते हैं, या फिर आप होटल या धर्मशाला भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें किराए की, तो आपका किराया 800 रुपये तक लगेगा, जो कि बस का होगा। अगर आप शेयरिंग प्राइवेट टैक्सी द्वारा जाना चाहते हैं, तो उसका किराया 1500 रुपये तक लगेगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।